हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे आप सब? तो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML के टैग्स, जिसे मैं आपको मोबाइल में यूज़ करना सिखाऊंगा। कि अगर बेसिकली आपके पास लैपटॉप ना हो या कंप्यूटर ना हो, तो आप बेसिक HTML के टैग्स मोबाइल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उन्हें कैसे रन कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो गाइस, सबसे पहले मेरे पास एक एप्लीकेशन जिसका नाम है सबलाइम टैग्स, मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ जाके आप लिखिए सबलाइम। सबलाइम जैसे आप सब लिखेंगे, आपके पास ये एडिटर का नाम आ जाएगा, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। यहाँ आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास ये ऑलरेडी डाउनलोड था, तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरा सबलाइम टेक्स्ट ओपन हो गया है। अब बेसिकली यहाँ पर आपको सब कुछ लिखना है, तो चलिए एक नया यहाँ पर एक न्यू बना लेते हैं, एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पे हमारे कोड लिखना है। सबसे पहले यहाँ से हम एरो यूज़ कर लेंगे, लिखेंगे HTML स्टार्ट क्लोज, देन हम स्टार्ट करेंगे हेड, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, देन टाइटल, देन आएगा टाइटल, टाइटल स्टार्ट, और टाइटल दे देते हैं HTML बाय मोबाइल, एंड देन टाइटल क्लोज। इसके बाद हम यहाँ पे जाके हेड को क्लोज कर देंगे। एंड अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग। और सबसे पहले मैं देख लेता हूँ बॉडी के अंदर, मैं आपको एक बैकग्राउंड कलर रख के दे देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं बीजी कलर, बीजी कलर स्पेस इज इक्वल टू, और यहाँ डबल कोट्स करके हमें कलर देना है। सो मैं यहाँ पे #3456678 कोई भी 6 डिजिट हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हैश करके से कोई भी 6 डिजिट दे रहा हूँ, देखते हैं इसे हमें क्या कलर मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास बीजी कलर, मतलब हमारी बॉडी के लिए एक बैकग्राउंड कलर आ गया है। अब हम H1 टैग यूज़ करते हैं। यहाँ हम एक टैग और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा बॉडी के अंदर, वो है टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर। सो टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे दूँगा टेक्स्ट इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर मैं बता दूँगा टेक्स्ट का कलर, और मैं यहाँ दे रहा हूँ ऑरेंज। सो हमने दो चीज़ें बॉडी पर दे दी है, पहला बॉडी का बैकग्राउंड कलर, दूसरा टेक्स्ट कलर। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे H1 टैग ले रहा हूँ, जो हमारा हेडिंग है। हेडिंग टैग को स्टार्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ मैंने H1 लिख दिया है क्लोज, एंड अगेन H1 को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारे टैग्स, जितने भी हमारे बेसिक टैग हैं, हम सारे यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, अगर मुझे किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे बी टैग यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए, बी स्टार्ट एंड अगेन बी क्लोज। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू HTML। इसके बाद हमें जो टैग, हम बेसिकली नॉर्मली हम सारे टैग्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं HTML के इस एडिटर के अंदर, और वो भी मोबाइल में। तो अगर आपके पास घर में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तब भी आपकी प्रैक्टिस रुकेगी नहीं, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस एकदम नॉर्मली कर सकते हैं। एंड नाउ मैं यहाँ पे बॉडी को क्लोज़ कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं HTML को क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो यहाँ पे 3 लाइन्स है, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ ऊपर, और मैं यहाँ से इसे ऑटो सेव का ऑप्शन तो दिया हुआ है नहीं, तो मैं यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं उन्हें उन पर क्लिक करूँगा और सेव करूँगा इस फाइल को। सेव अभी हम सेव एज नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू फाइल, इसलिए हम सेव करेंगे खाली इस फाइल को। फाइल को एक नाम देना है, सो ये पूरा क्लियर कर दीजिए। फाइल को मैं नाम दे रहा हूँ ट्राई 1 डॉट
HTML, कंपलसरी आपको .html एक्सटेंशन यूज़ करना है, तभी आपका ब्राउज़र इससे एज अ वेब ब्राउज आपका वेब ब्राउज़र में ये फाइल इजीली रन हो पाएगी। अगर आपने .html नहीं दिया और .txt हुआ तो कभी भी आप ये फाइल आपके वेब ब्राउज़र में रन नहीं होगी। सो प्लीज़ इसका हमेशा एक्सटेंशन .html ही लिखे जब आपको कोई भी ऐसी फाइल बनाए जिसे आपको ब्राउज़र में रन करना है। अब यहाँ हम जा रहे हैं विजिट इट ऑन द वेब पे क्लिक करते हैं। सो गाइज़ यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमने जो H1 टैग यूज़ किया था उससे हेलो बड़ा आया है और फिर हमने वेलकम टू HTML बोल्ड किया था इसलिए वो बोल्ड दिख रहा है। अगर आपको इसी चीज़ में चेंज करना है, जैसे अंडरलाइन करना है उसी सेम फॉर्मेट में, अगर हमें अंडरलाइन भी करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे मैंने वेलकम टू HTML लिखा है उसी जगह पे मैं एक और टैग ओपन कर रहा हूँ यू, और यहाँ पे मैं यू टैग को एंड कर देता हूँ। वापस फाइल में जाके इसको सेव कर लेते हैं एंड अब हम वापस ब्राउज़र पे चलते हैं एंड इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आपको नीचे एक अंडरलाइन दिख जाएगी। सो गाइस इस तरह से आप HTML के सारे टैग यहाँ यूज़ कर सकते हैं एंड ये आपके लिए एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ताकि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप मोबाइल पे भी HTML का सारा वर्क कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइज़।